अस्सलाम वालेकुम। मैं डी ए बात हेलो, मेरा नाम हमजा यूसुफ है और आज मैं आपको हम डील करेंगे एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कोका एंड हनी। ये हम करेंगे एमसीक्यू से। चलो, सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक की टाइप कौन सी नहीं है इनमें से? पहले ही है ब्रांडी, दूसरा कोला, तीसरा लेमोनेड और तीसरा जूस। इसमें इसका आंसर है डी, जूस। ठीक है, अब दूसरा को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिसकंटिन्यूड इन 2007। 2007 में कौन सा डिसकंटिन्यूड हुआ है? फैंटा, स्प्राइट, ब्लैकबेरी, वनीला, कोला और कोका कोला लेमन। इसका है आंसर सी, ब्लैक चेरी, वनीला, कोको कोला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शुगर फ्री कोक? शुगर फ्री कोक का नाम क्या है? नो शुगर कोक, शुगरलेस कोक, शुगर फ्री कोक, डाइट कोक। इसका आंसर है डाइट कोक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेमन लाइम ड्रिंक? इनमें से लेमन लाइम ड्रिंक कौन सी है? लेमोनेड, ट्विस्ट, बबल अप या फंटा? इसका आंसर है लेमोनेड। आगे भाई आ जाते हैं सिक्स एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय डॉक्टर पेपर स्नैपल ग्रुप? एक डॉक्टर पेपर स्नैपर ग्रुप ने कौन सी चीज़ बनाई थी? कैनेडा ड्राई, टेंडर, स्प्राइट, पेप्सी। इसका आंसर है पेप्सी। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्सी कोला ब्रांड? पेप्सी कोला ब्रांड की कौन सी ये कौन सी ड्रिंक है? पहला है डॉक्टर वाम, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, ट्विस्ट अप। इसका आंसर है माउंटेन ड्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक? ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक कौन सी है? कोको कोला, लिमडा, माउंटेन लाइटनिंग, सनकिस्ट। इसका है लिमका। आगे भाई आंसर आगे आ जाता है नवा एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय डॉक्टर पेपर स्नैपर ग्रुप? इसका आंसर है फैंटा। आगे आप भाई आगे है दसवां एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्सी कोला ब्रांड? पेप्सी कोला ब्रांड कौन सा है? वो है स्प्राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक? लिमका। वन आ ग्रिप को फर्स्ट प्रोड्यूस कब ये प्रोड्यूस हुआ था? ये हुआ था 1982 में। विच इज मिक्स ट्विस्ट मेड ऑफ? मिक्स ट्विस्ट मेड किससे बना है? ये बना है लेमन लाइम से, लेमन से। आगे है, व्हाट इज मिक्स ट्विस्ट मेड ऑफ? पाइनएप्पल। विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक की प्रिपरेशन में कौन सी गैस यूज होती है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे जी, विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक की प्रिपरेशन में कौन सी गैस यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल सॉलिड फॉर वेयर टू बी यूज इन प्रिपेयरिंग फ्रूट जूस बेवरेज शुड बी एक्सीडेड 500, 400, 300, 200। इसका आंसर है 400। दी अल्कलिनिटी ऑफ वाटर डैट यूज फॉर बेवरेज मस्ट बी लो फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड मोस्ट। इसका आंसर है फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड।
आगे पहली हैगा अगला एमसीक्यू है मोस्ट कॉमनली प्रोसेस जूस इज, इसका इसका है एप्पल जूस। उन्नीसवां देखिए आप, इन मोस्ट फ्रूट जूसेस द मेजर पोर्शन ऑफ टोटल सोल्युबल सॉलिड कंसिस्ट ऑफ वाइटामिन होते हैं भाई। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेटिंग बेवरेज, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, प्योर जूस, मिल्क। ये होता है जी कॉफी। बेवरेज आर क्लासिफाइड एज, बेवरेज को क्लासिफाई कर किया जाता है कार्बोनेटेड ग्रुप में से। ऑल ऑफ दीज इज आंसर। बीवरेज आर कंज्यूम फॉर, ये कंज्यूम किया जाता है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट के लिए। टोटल सॉलिड फॉर वाटर टू बी यूज इन प्रिपेयरिंग फ्रूट जूस बीवरेज शुड नॉट एक्सीड 300 ppm। The major ingredients of carbonate soft drink in addition to water is, ये होता है जी फ्लेवरिंग के लिए। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक, ये सैक्रोज यूज होती है इसमें, शुगर जो उनकी सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होती है। द शुगर कंट्रीब्यूट टू बेवरेज, इसका भाई जी हैगा बॉडी एंड माउथ फील। नॉन कैलोरीज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आर स्वीटनिंग विद नॉन न्यूट्रलेटिव स्वीटनर्स सच एज, मैंने इसका आंसर है अबव टू। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक इज, इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है सॉफ्ट ड्रिंक में, पानी की 92% 60% 70% 50%। इसका आंसर है 92%। फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट जूस बीवरेज द मैक्सिमम अल्कलाइनी लेवल फॉर वाटर इज, इसका है 60 ppm। टोटल सोलबल सॉलिड फॉर रेडी टू ड्रिंक बीवरेज शुड बी 65%। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बियर इज, बियर में अल्कोहल की परसेंटेज कितनी होती है, 7% होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्लूड इन फर्मेंटिंग बेवरेज, इसका है सिरप। एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर इन टी इज, एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर टी में कौन सा है, इसका आंसर है जी टैनिन। रिकमेंडेशन ब्रिक्स फॉर सिरप प्रिपरेशन इज, ब्रिक्स रिकमेंडेशन सिरप कौन बनाता है, ये बनाते हैं 55। डैश एंजाइम इज प्रेजेंट इन माल्टेज बेवरेज अमाइलेज, मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट फॉर बियर इज, इसका जी ओट। मोस्ट कॉमन जर्मी सीडल फॉर वाटर ट्रीटमेंट इज बेंजीन। फ्रूट पंचेस, पंचेस आर मेड बाय मिक्सिंग 25 ऑफ टोटल फ्रूट जूस एंड 45 ऑफ शुगर। एडवांटेज ऑफ कार्बोनेशन आर बोथ ए एंड बी। ओके थैंक्स।